कोई आदमी हीरा पाकर, कोई आदमी पारस मणि पाकर कहे कि मैं गरीब हूं तो क्या शोभनीय है? किसी के पास हीरा हो और किसी के पास पारस मणि हो और ढेर सारा सोना हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं, तो उसका गरीब होना व्यर्थ चला गया। उसके मतलब उसके पास सोना हीरा और पारस मणि होकर भी यदि वो गरीब है तो उसके पास हीरा होने का कोई अर्थ नहीं, पारस मणि होने का कोई अर्थ नहीं, गोल्ड सोना होने का कोई अर्थ नहीं। उसी तरह तुम मनुष्य का शरीर पाकर फिर 84 योनियों में जाओ, 84 लाख योनियों में, तब तो तुम्हारा ये मानव शरीर पाना व्यर्थ चला गया कि इसको पाकर भी तुम्हारा वो नहीं छूटा। मतलब सोना पाकर तुम्हारी गरीबी नहीं गई, दरिद्रता नहीं गई, तो पाने का मतलब ही नहीं। हीरा पाने के बाद भी तुम्हारी गरीबी नहीं गई तो हीरा पाने का मतलब क्या? मानव का शरीर पाने के बाद भी तुम्हारे 84 चक्कर नहीं छूटे, 84 लाख योनियों का भ्रमण नहीं छूटा तो ये शरीर पाने का अर्थ क्या है? ये 84 लाख योनियों के बाद अंतिम योनि है मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इस शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है बताओ? आप मनुष्य है ना, मनुष्य शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है? बोलो उद्देश्य, क्या पाने आए हो मानव बन करके? क्या पाने आए हो बताओ? आप बताओ भैया, क्या पाने आए हो मानव बन करके? कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं। आप बताओ भैया, आप बताओ क्या? जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वो जीवन ही नहीं है। बिना उद्देश्य का, बिना लक्ष्य का कोई जीवन है? आप कह रहे हो कुछ नहीं पाना, वो पाना सब है, दे बस दो, छोड़ना कुछ नहीं है। आप बताओ, मानव का शरीर आपको क्यों मिला, क्या पाना है आपको? इस शरीर को पाने के बाद यदि आपने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया, इस शरीर से भगवान को नहीं प्राप्त किया, इस शरीर से उस एक ईश्वर में मन नहीं लगाया, तो मानव शरीर क्यों पाया आपने? केवल खाने के लिए? तो खाना पीना तो कुत्ते भी जानते हैं। सोने के लिए? तो सोना तो सुअर भी जानता है, नाले में बढ़िया सोता है। बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर रही है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना ये सब लोग जानते हैं। चिड़िया हो, कुत्ता हो, हाथी हो, शेर हो, हर योनि में 3 सुख हैं। लेकिन कुत्ता से कहो कि चल भैया सत्संग सुन ले, बिल्ली से कहो चलो बिल्ली कथा सुन लो, नहीं। सत्संग करने का मौका केवल इंसानों के पास है। मन को केंद्रित करने का अवसर केवल 84 लाख योनियों में केवल मनुष्यों के पास है। आत्म कल्याण करने की सोच, थिंकिंग केवल मनुष्यों के पास है। और ये मानव शरीर पाकर भी ईश्वर में मन ना लगाया जाए, ईश्वर को ना पाया जाए, सत्य के राह पर ना चला जाए, तो बताओ फिर ये शरीर पाने का अर्थ क्या निकला?